लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 3 साल बाद जुलाई में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। 9 घंटे में बरसा 52.4 मिमी पानी। दिल्ली NCR में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 9 घंटे में 52.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली में यह बीते 3 साल में जुलाई महीने के किसी भी दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। इससे पहले 11 जुलाई 2015 में सबसे ज्यादा 93 mm बारिश हुई थी। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव, ट्रैफिक जाम के अलावा कई जगह पेड़ और दीवारें गिरी। सम्यकपुर बादली इलाके में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। मानसून की पहली तेज बारिश ने डुबो दी दिल्ली। दिल्ली फ्रंट पेज राहत पारा 2 डिग्री लुढ़का, 34.2 डिग्री पर आया। शनिवार को भी बारिश की उम्मीद, तापमान 32 डिग्री तक आने की संभावना। आफत 100 से ज्यादा जगह जलभराव, 4 घंटे तक रेंगता रहा ट्रैफिक जाम, 10 से ज्यादा जगह पेड़ दीवार गिरने की सूचना। हादसा समयपुर बादली इलाके के रामा विहार में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से पवन नामक युवक की मौत हो गई। एक दिन में ही पूरी हुई कमी। 1 से 12 जुलाई के बीच 70 मिमी बारिश होती है, इस बार केवल 64 मिमी ही बारिश हुई थी। एक ही दिन में 50 mm से ज्यादा बारिश होने के कारण चल रही बारिश की कमी पूरी हो गई है। 12 फीट ऊंची बस 11 फीट पानी में डूबी। सबसे ज्यादा जलभराव कनॉट प्लेस को जोड़ने वाली मिंटो रोड पर हुआ। यहां DTC की एक AC बस पानी में करीब पूरी डूब गई। बस से कुछ लोगों को रस्सी से निकाला गया।